बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान मचा हुआ है। दिल्ली में ईडी को लेकर जंग जारी है तो चंडीगढ़ में मेयर का मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है, जिस पर सियासी बयानों का तड़का लगाया जा रहा है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। सुप्रीम कोर्ट में गड़बड़ी के आरोपों पर सुनवाई शुरू हो गई है। पहले दिन शीर्ष अदालत ने विवादों में घिरे रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह की भूमिका पर सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव अधिकारी से बैलेट पेपर पर क्रॉस मार्क को लेकर सवाल किया। चुनाव अधिकारी ने इस बात को स्वीकार किया, लेकिन कहा कि वो पेपर पर निशान देने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर पेश करने को कहा। एक ओर चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, दूसरी ओर सियासी तनातनी भी बढ़ रही है, क्योंकि सुनवाई से पहले चंडीगढ़ मेयर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों ने पाला बदल लिया, लिहाजा बीजेपी के पक्ष में आंकड़ा अब 19 का हो गया है। 18 तारीख को इलेक्शन पोस्टपोन किया जाता है, 30 को किया जाता है, 30 को जाके अनिल मसीह जी वोट को इनवैलिड कर देते हैं और उसके बाद जब हम हाई कोर्ट जाते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहां पे इनको टाइम मिल जाता है और उसके बाद इन्होंने ऑपरेशन लोटस जोन है वो चलाया। जो काउंसलर्स आज से 3 दिन पहले धरने पे इनके अगेंस्ट बैठे हुए थे, डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मर्डर हुआ डेमोक्रेसी का, उसी की लड़ाई वो लड़ रहे थे, उन लोगों को इन्होंने धमका के डरा के या खरीद फरोख्त करके इन्होंने अपनी पार्टी के अंदर जोड़ा है और यही देश के अंदर चल रहा है। देखिए, हम ऐसे नहीं करते भी आप के पार्षद किकर रिजोर्ट पे रखकर और उनको बंदूक की नोक के ऊपर लोगों से क्या बुलवाया जाए और जब उनके घर से कोई फोन आता है तो स्पीकर ऑन करके सुनाया जाए। किसी की मदर बीमार हो गई है उसको खबर नहीं लेने दिया जाता, किसी की लड़की बीमार हो गई है उसको वहां से भेजा नहीं गया। तो ये सब चीजों को देखते हुए आपके पार्षद निश्चित तौर पे बहुत दुखी थे और इस दुख की वजह से ही उन्होंने आपको छोड़ने का निर्णय किया। अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर हमलावर हैं, लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा रहे हैं। ये तो दिखाता ही है कि क्या कर रही है बीजेपी चुनाव कैसे, जब उन्होंने उनके मेयर ने कल इस्तीफा दे दिया, ये जाहिर है कि उनका उन्होंने गलत काम किया था, गलत तरीके से उनका मेयर बना था, उन्होंने चुनाव में धांधली की थी, ऐसे ही चुनाव में धांधली करके जीतते हैं और फिर अगर जीत ना पाए तो लोगों को खरीद लेते हैं।